हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सबाना नासिन। कैसे हो आप लोग? जैसे कि मैंने आप लोगों का कहा था, मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ एक मेकओवर लाने वाली हूँ एंड बेस्ट फ़ोटोशूट होगा इसका। जो बिहाइंड द सीन था फ़ोटोशूट का, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी, यानी कि कल। तो चलिए हम स्टेप बाई स्टेप पहले इसको बताते हैं कि हमने क्या किया है। तो सबसे पहले मैंने इनके फेस को अच्छे से वाइप कर लिया है। वाइप करने के बाद मैं मॉइस्चराइजर्स यूज़ कर रही हूँ इनके फेस में। अच्छे से मॉइस्चराइज कर लेंगे क्योंकि अभी सर्दियाँ बहुत आ रही है और सर्दियों में फेस को बहुत ज़्यादा अच्छे से मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें। सो ये जो थीम है मेकअप का, ये है मोहालया का। तो मोहालया का स्पेशल मेकअप लुक मैंने क्रिएट किया। तो अब मैंने इनको प्राइमर लगाया जो कि स्विस ब्यूटी का था, और उसके बाद मैंने इनको लगाया था मॉइस्चराइज़र। पहले यूज़ किया था, उसके बाद मैंने प्राइमर यूज़ किया, फिर मैंने अभी कलर करेक्टर यूज़ किया जो कि पर्पल का था। ऑरेंज कलर करेक्टर यूज़ कर रहे हैं। ऑरेंज कलर करेक्टर यूज़ करने से क्या होता है, जो भी आपकी अनइवननेस है या फिर पिगमेंटेशन है, वो सब हाइड हो जाती है, डार्क सर्कल। तो आप ऑरेंज कलर करेक्टर हमेशा यूज़ करें। तो मैंने इसको यूज़ किया और करने के बाद मैंने ब्लेंड कर दिया और फिर ये वेव अप्लाई करी हूँ आइस पे। देखिए इस तरीके से, इसलिए भी अप्लाई करी हूँ ताकि जो भी मैं अपना आई मेकअप करूँ इनका, ये बहुत अच्छे से हो और बिल्कुल लाइट और बहुत अच्छा दिखे। तो इसीलिए मैं इनको इस तरीके से मेकअप कर रही हूँ। ये मेरा आई मेकअप स्टार्ट किया है मैंने। तो सबसे पहले मैंने ऑरेंज कलर और येलो कलर को मिक्स करके मैं कलर लगा रही हूँ, ताकि क्योंकि ना सबसे पहले हम हल्के से ही स्टार्ट करेंगे, उसके बाद डार्क में जाएंगे तो फिर मेकअप बहुत अच्छा होता है। तो इसीलिए मैंने पहले हल्के कलर से स्टार्ट किया है, जो कि हमारे क्रीज एरिया जो होते हैं ना, वहाँ पर होंगे। सो ये देखिए, इसको मैं थोड़ा सा वी शेप में दे रही हूँ। आपको पता ही है कि आप आउटर कॉर्नर इनर कॉर्नर की बात करें तो जो आउटर कॉर्नर है वो हमेशा वी शेप या फिर यू शेप इस तरीके से होता है। तो मैं आउटर कॉर्नर में वी शेप दे रही हूँ और फिर लगा रही हूँ। एंड देन उसके बाद मैंने इसमें कवर करने के लिए कंसीलर अगेन लगा दिया। कंसीलर अगेन इसीलिए लगाया ताकि मतलब ना बहुत ही अच्छा लुक लगे, मतलब HD लगे आई लुक। इसीलिए तो मैंने कंसीलर अच्छे से लगा दिया, उसके बाद उसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया, और ब्लेंड करने के बाद मैंने इसमें लगाया है रेड कलर। तो मैं रेड कलर से इनका जो आउटर कॉर्नर है, आउटर वी बोलते हैं जिसको, उसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ। सो आप लोग आगे देखते जाइए, मैं आप लोगों से मिलती हूँ। ये कलर जो है, ये रेड कलर है, पर पता नहीं क्यों कैमरे में पिंक कलर दिख रहा है, बट कैमरा बहुत ही ज़्यादा क्लियर और बहुत अच्छा लग रहा है। अब जो ये जो आप देख रहे हो इनर कॉर्नर, तो इनर कॉर्नर में मैं हल्का सा गोल्डन कलर का आई शेडो अप्लाई कर रही हूँ। उसको अप्लाई करने के बाद मैंने गोल्डन कलर का पिगमेंट भी अप्लाई किया, और फिर अभी जो मैं काजल यूज़ कर रही हूँ, मतलब जेल आईलाइनर, वो है शुगर का। तो ये बड़ा ही अच्छा आईलाइनर है। आप अगर चाहते हो सस्ते में तो आप म्यूज़िक फ्लावर का भी यूज़ कर सकते हो। म्यूज़िक फ्लावर का जो आईलाइनर है वो भी बहुत अच्छा है, लॉन्ग लास्टिंग है। बट ये चीज़ ध्यान रखें, आप जब भी जेल काजल लगाएं तो उसके ऊपर से थोड़ा सा ब्लैक कलर का जो आई शेडो होता है ना, उसको स्प्रेड कर दे। इससे क्या होगा, आपको जो जेल काजल है ना वो फैलेगा नहीं और यहाँ वहाँ पे नहीं लगेगा। क्योंकि चाहे आप जितने भी आप दामी प्रोडक्ट ले लो ना, जेल काजल में ये चीज़ होता है कि स्प्रेड हो जाता है ऊपर क्रीज लाइन में, तो ये चीज़ नहीं होगा। तो ये पूरा मैंने आई मेकअप करने के बाद इनका आईब्रो को शेप किया, मैंने पहले नहीं किया था।
मैंने थोड़े देर बाद ही सेट किया था कि मुझे मोटा पतला का अंदाज़ा हो जाए। तो इनका जो आईब्रो है ये आईब्रो किया हुआ नहीं है, यानी कि थ्रेडिंग इन्होंने नहीं की है। तो हमको क्या करना पड़ेगा अगर थ्रेडिंग ना हो तो, और हमें आईब्रो का शेप बहुत अच्छा देना है, तो उसके लिए हमें फाउंडेशन से जो अपने हेयर्स हैं ना उनको हाइड करना पड़ेगा। हाइड करने का मतलब ये नहीं है कि आप पूरा एकदम रगड़ दो फाउंडेशन, बस हल्का सा लगाओ और ब्लेंड कर दो। इससे क्या होगा, आपका आईब्रो भी अच्छा दिखेगा और पता भी नहीं चलेगा कि आपका आईब्रो किस तरीके का। ये करने के बाद मैं फिर कर रही हूँ अच्छे से हेयर को सेट, इनके हेयर को बना रही हूँ। और हेयर्स बनाने के बाद फिर क्या करती हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। हेयर जो है वो दुर्गा जी, जैसे आपको पता है उसी थीम पे मैं बना रही हूँ, मोहालया की थीम पे, तो उसी तरीके से मैं इनके हेयर को भी बना रही हूँ। तो सबसे पहले ना मैंने हेयर को क्रिम्प किया। एंड अगर आप चाहते हो कि हेयर बाउंसी हो तो आपको क्या करना होता है, बैक कॉम करेंगे तो आपका पफ भी अच्छा होता है। तो मैंने बैक कॉम किया और जो मुझे करना था ये हेयर का काम हो चुका है। सो अब मैं डाल रही हूँ इसमें स्प्रे, हेयर स्प्रे। तो हेयर सेटिंग स्प्रे में इसको मैं डाल रही हूँ। एंड देन ये देखिए ये पूरा हो चुका है। अब चोक बना रही हूँ, यानी कि आईज़ बना रही हूँ। तीन आँखें होती हैं, आपको थीम के मुताबिक पता होगा। तो उसी के मैं एक आँख बना रही हूँ इनके माथे पे, जैसे कि लॉर्ड, वही एक आँखें मैं इनके बना रही हूँ। एंड देखिएगा ये बिल्कुल दुर्गा जैसी लगेंगी। तो ये मैंने बना लिया। ये बनाने के बाद मैं इसमें वाइट कलर से जो बैकग्राउंड वगैरह होते हैं उसको मैं फिल कर रही हूँ, ताकि बिल्कुल आइस के जैसे लगे। रेटिना के बाद जो हमारा वाइट वाइट होता है तो वो वाइट लगे। तो देखिए लग रहा है ना एकदम चोक, मतलब आँख, बांग्ला में चोक बोलते हैं और हिंदी में आँख। तो ये आँख के जैसे लग रहा है ना आपको। तो अब हम इसमें लगाएंगे आई लैशेज भी लगाऊंगी। सो इनको ये देखिए ये सिंदूर भी लग चुका है और इनका मेकअप हो चुका है। डन डना डन डन। और थोड़ा अब लगाना है आई लैशेज। डन हो चुका है बिल्कुल, फिर भी आई लैशेज जो है वो मैं आखिरी में क्यों लगाती हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि हम जब आई लैशेज अगर पहले लगा लेंगे ना, तो ऐसा भी होता है कभी कभी कि हेयर बनाने के टाइम पे वहाँ पे लग जाता है तो वो निकल जाता है, क्योंकि ग्लू के हिसाब से होता है। तो इसलिए मैं लास्ट में ही लगाती हूँ कि मुझे सुविधा लगता है। तो जो भी मोटा पतला हो गया हो आपको आईलाइनर लगाने में वो भी ठीक हो जाए। उसके बाद मैंने लगाई है लिपस्टिक। लिपस्टिक लगाने के बाद थोड़ा सा वाइट वाइट डॉट दे दिया है और ये मेकअप बिल्कुल डन हो चुका है। सो देखिए इनका मेकअप जो कि पूरी तरीके से डन हो गया है, ये कैसी लग रही है। और इनका फ़ोटो जो है वो मैं लास्ट में आप लोगों को मतलब आप लोगों को थंबनेल में मिल जाएगा। एंड रेगुलर में